बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, तो आज सुबह से ही सभी को काफ़ी डर लगा हुआ था। सुबह से ही घर में एंजाइटी फैल गई थी और तशवीश का माहौल था कि पता नहीं क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि आज सुंदस का रिज़ल्ट आने वाला था मेरी बड़ी बेटी का। तो आज स्वात बोर्ड और मलाकन बोर्ड, बल्कि पूरे KPK में ही जो है ना, आज रिज़ल्ट अनाउंस्ड होने थे। तो हमें तो बहुत ज़्यादा कुछ गेस नहीं कर पा रहे थे कि कैसा रिज़ल्ट रहेगा, लेकिन ये है, ये शिकायत थी हमें स्कूल वालों से कि उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है बच्चों के साथ, क्योंकि पूरा साल जो है ना, इनके पास कोई अच्छा सा टीचर अवेलेबल नहीं था। एक टीचर आता, एक महीना पढ़ाता, फिर चला जाता, और इस यही सिलसिला रहा है पूरा साल। और अभी जो करंट सिचुएशन है, तो हालत ये है कि स्कूल में अभी इनके पास जो है ना फिज़िक्स का टीचर है, ना केमिस्ट्री का इनका टीचर है, और ना ही मुताले कुरान का। ऐसे बच्चे बैठे हुए होते हैं इन तीनों जो पीरियड्स में। अच्छा जी, तो सुबह से ही नवाफिल पढ़ रहे थे, और सुंदस तो स्कूल गई हुई थी, शाम को उसका रिज़ल्ट आना था। एनर्जी किसी में नहीं थी, तो उनकी एनर्जी बहाल करने के लिए मैंने उनके लिए गुड़ का ये शरबत बनाया, और सभी दुआएं कर रहे थे। तो मारे टेंशन के मेरे हाथ पैरों में भी जान नहीं थी। सुबह से ना घर के काम कर पा रही थी, ना ही यूट्यूब पे कुछ एडिटिंग वगैरह कर पा रही थी। तो और यही हालत जो है ना मेरी बेटी सुंदस की भी थी, कि सुबह उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लंच नहीं किया था, और पूरा दिन उसके इंतज़ार में और कल में पढ़ने में और नवाफिल पढ़ने में उसने गुजार दिया। अब ये शाम का वक्त है, तकरीबन 5:30 PM है, तो कि जब हैदर यानी मेरे हस्बैंड के पास एक मैसेज आया कि बस ये PDF है, यहाँ से आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो सुंदस हाँपते काँपते जो है ना अभी वो बैठी हुई है। टेंशन की वजह से ना मैं दुआ मांग पा रही थी, ना मैं कुछ वज़ाइफ पढ़ पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा अजीब से हालात थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, और जिसका डर था वही हुआ। सुंदस के मार्क्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आए, फिर भी ठीक मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यही कि जितना हमने सोचा था, जितनी सुंदस ने मेहनत की थी, उतने उसके मार्क्स नहीं आए, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस था हमें। और मैंने पहले से ही सोच रखा था कि सुंदस जैसे भी मार्क्स लेगी तो मैं इस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूँगी। अगर कम मार्क्स हुए तो मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं उसे बिल्कुल ताने नहीं मारूँगी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं कुछ भी ड्रामा क्रिएट नहीं करूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कम मार्क्स देख के पहले तो मैं ख़ुद रोने लगी, जो कि मुझे बिल्कुल करना नहीं चाहिए था, मुझे मालूम है। और मुझे देख के तो सुंदस डेफिनेटली वो तो धाड़े मार के फिर रोने लगी बेचारी। और जी, गुस्सा भी आया और कुछ ताने भी मारे, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। कुछ ना शुक्री के कलमात भी मुँह से निकले, जिसका मुझे तहे दिल से अफसोस है, बेहद मुझे अफसोस है। लेकिन क्या करूं, यहाँ पे मुझे अपनी कमज़ोरियों का भी पता चला कि अगर आज मेरा ये विल पावर इतना कमज़ोर है कि मैं ख़ुद अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं पा रही कर पा रही हूँ, अपने ख़ुद को, अपने इमोशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो कल मैं अपने बच्चों को क्या तरबियत दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं सारा ब्लेम सुंदस पर नहीं डालूँगी। सुंदस ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसके नसीब में नहीं थे शायद ज़्यादा अच्छे मार्क्स। लेकिन यह कि हमारे पास दूसरा रास्ता है, हम इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा से अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला सुंदस डेफिनेटली अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेगी। घर में जो है ना थोड़ा सा माहौल कुछ उदास सा माहौल था, तो सबको चीयर अप करने के लिए फिर इधर मैं बिरयानी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं हुकूमत है कि एजुकेशनिस्ट्स हैं, पता नहीं कौन है, तो उन पे मैं थोड़ा सा उनको भी ब्लेम दूंगी कि यार आपने SLO बेस्ड जो है ना इस बार आपने सिलेबस निकाला है, तो आपको या तो सेशन के स्टार्ट में ही बिल्कुल चाहिए था कि आप इस ये इम्पोज़ कर देना, तो एंड में सेशन के बिल्कुल एंड में आपने ये चीज़ जो है ना अभी बच्चों पर इम्पोज़ कर दिया है। आपने टीचर्स को अपने ट्रेन नहीं किया कि SLO बेस्ड टीचिंग आपने कैसे करनी है, तो खाम खामे बच्चों का इस तरह से साल ज़ाया हो गया।
लेकिन यह है कि फिर भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे कि जिन्होंने थैले भर भर के मार्क्स लाए हैं। और इस बात का भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि जब एज एन इन्विजिलेटर वो जब हॉल में ड्यूटी कर रही थी मेट्रिक के स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि जब सेक्शन ए आ जाता तो वो लोग खुद लाइक टीचर्स गैदर होकर बुक्स खोल के इंटरनेट से मदद लेके वो एमसीक्यू सारे का सारा वो सॉल्व कर देते और फिर जो है ना स्टूडेंट्स में वो जाके उसको तकसीम करते, बच्चों को सिखाते कि दिखाते कि इसमें ये वाले एमसीक्यूज ये करेक्ट ऑप्शन है, आप ये कर दो। तो ये बड़ी बेइंसाफी की बात है, इस चक्कर में ख्वार हमारे बेचारे बच्चे हो गए। लेकिन मैं ब्लेम यहाँ पे किसी को नहीं दे सकती ऐसा सॉलिड, बस हमारी नसीब में नहीं था। लेकिन सुंदस इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हार नहीं मानेगी, वो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह ताला से इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा अप्लाई करेगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।